अरे बच्चों आज हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता है तो ये एनर्जी कहाँ से आई जब हम चार्ज करते हैं कैपेसिटर को तो वर्क करना पड़ता है और वो वर्क डन जो है स्टोर हो जाता है कैपेसिटर में एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी चलिए देखें कि कैसे होता है ये ये हमने कैपेसिटर ले लिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए और ये वैलिड होगा सारी तरह के कैपेसिटर्स के लिए हम इस कैपेसिटर को सेल uh, से या बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं जिसका कि पोटेंशियल डिफरेंस है ई एम एफ है वी यहाँ एक स्विच लगा देते हैं दूसरी प्लेट को यहाँ कनेक्ट कर दिया अब जब हम इस स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या होगा कि ये कंडक्टर है ये पॉजिटिव टर्मिनल इस कंडक्टर में से कंडक्टिंग प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे तो पीछे क्या बचेगा पॉजिटिव चार्जेस बाई इलेक्ट्रोस्टेटिक इंडक्शन यहाँ इनर प्लेट पर इस वाई के इनर प्लेट इनर साइड पर नेगेटिव चार्जेस अपेयर हो जाएंगे दरअसल ये पॉजिटिव जो है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और इस तरफ जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस इधर आ गए तो बैक साइड पर आउटर साइड पर क्या होगा पॉजिटिव चार्जेस इक्वल पॉजिटिव चार्जेस यहाँ अपेयर हो जाएंगे इंड्यूस हो जाएंगे और ये पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो यहाँ से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे और ये यहाँ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो हमारे पास यहाँ प्लेट्स पर इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया या हम कह सकते हैं कि चार्जिंग के दौरान यहाँ से नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव चार्जेस जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक्स प्लेट पर तो हम पॉजिटिव चार्जेस की बात करेंगे क्यों क्योंकि आगे हमने ई एम एफ़ को पोटेंशियल डिफरेंस को हमने बात करनी है इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ भी हम पॉजिटिव की बात करेंगे हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्जेस ट्रांसफ़र हो रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट तो मान लीजिए कि हम एक कैपेसिटर ले रहे हैं विद कैपेसिटी सी उसको हमने चार्ज करना है फ्रॉम तो इनिशियली चार्ज जो है कैपेसिटर पर कितना है जीरो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कितना है वो भी जीरो क्योंकि जब हम चार्ज देंगे तब इसका पोटेंशियल बढ़ेगा इस प्लेट का इसका भी बढ़ेगा नेगेटिव पोटेंशियल तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा जब चार्ज देंगे तो इनिशियली क्या है चार्ज भी ज़ीरो है कैपेसिटर पर और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज आल्सो ज़ीरो फाइनल स्टेज क्या होगी फाइनल स्टेज में चार्ज जो है क्योंकि हमने 0 टू q चार्ज करना है तो चार्ज के q होगा कैपिटल q और पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू emf ऑफ दिस बैटरी ये होगा इन बिटवीन चलिए अज्यूम करते हैं लेट एट एनी इंस्टेंट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज q ये q जो है 0 से ज्यादा होगा और कैपिटल q से कम होगा अब उसी इंस्टेंट पर लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर क्योंकि जब हम चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर जो है वो इंक्रीज होगा तो मान लीजिए कि इस इंस्टेंट पे ये है पोटेंशियल डिफरेंस ये जीरो से ज़्यादा होगा और इससे इस वी से कम होगा वी किसके बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू चार्ज ओवर कैपेसिटी ये हम जानते हैं क्यू इज़ इक्वल टू सी इन टू वी अब इस स्टेज पर यहाँ चार्ज थोड़ा सा चार्ज है कितना चार्ज क्यू और हमने अब इसको एडिशनल चार्ज देना है इस बैटरी ने देना है ये सारा कुछ पूरा चार्ज ये बहुत स्मॉल टाइम में हो जाता है लेकिन फिर भी ये प्रोसेस इंस्टेंटेनियस नहीं है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इज़ नॉट इंस्टेंटेनियस इट इज़ नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस थोड़ा थोड़ा चार्ज करके ये ट्रांसफ़र होता है हालांकि टोटल टाइम बहुत कम लगता है तो मान लीजिए कि किसी इंस्टेंट पर चार्ज है Q, और हमने एडिशनल चार्ज इसको देना है ट्रांसफ़र करना है डी क्यू अब ये चार्ज जब ट्रांसफ़र होगा तो ये होगा पहले जो चार्ज है के इस पर वो रिपेल करेगा इस चार्ज को और अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इस बैटरी को वर्क करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे हम फाइंड आउट कर लेंगे स्मॉल वर्क डन इन ट्रांसफरिंग चार्ज डी क्यू फ्रॉम प्लेट वाई टू एक्स ये वर्क किसके बराबर होगा वी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस इन टू चार्ज यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझने वाली बात है इसी स्टेप को समझने वाली बात है अब वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वर्क डन इन ट्रांसफरिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू एन ए वन कूलम चार्ज को ट्रांसफ़र करने में कितना वर्क करना पड़ता है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर वन कूलम की बजाय हमने कितना चार्ज ट्रांसफ़र करना है डी क्यू तो डी क्यू चार्ज को ट्रांसफर करने में कितना वर्क करना पड़ेगा वी इंटू डी क्यू तो डी डब्ल्यू आ गया वी इंटू डी क्यू अब हमने टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर करना है पिटल क्यू तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं टोटल वर्क डन इन ट्रांसफरिंग चार्ज और कैन से टोटल वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर फ्रॉम जीरो टू क्यू अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी क्यू जीरो टू क्यू v की वैल्यू लगा लेंगे इधर w आ जाएगा v की वैल्यू कितनी है क्यू ओवर c इंटू डी क्यू इट्स इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम ज़ीरो टू क्यू वन ओवर सी क्योंकि कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे अंदर क्या रह गया क्यू क्यू इन डी क्यू का इंटीग्रल कितना आ जाएगा क्यू क्यू स्क्र क्यू का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू क्यू क्यू स्केयर ओवर टू लिमिट्स फ्रॉम जीरो टू क्यू चलिए लिमिट्स लगा लेते हैं अपर लिमिट क्यू की जगह क्यू स्क्र ओवर टू माइनस लोअर लिमिट जीरो तो ये आ गया डब्ल्यू इज इक्वल टू वन बाई टू क्यू स्केयर ओवर सी अब ये वर्क स्टोर हो जाता है कैपेसिटर में एज पोटेंशियल एनर्जी दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ द कैपेसिटर इक्वल टू वन बाई टू क्यू स्केयर ओवर सी हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया अब हमने दूसरे एक्सप्रेशंस निकालने हैं यहाँ बच्चों तीन क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं क्यू वी और सी हमारे पास ये रिलेशन है बिटवीन क्यू एंड सी चलिए अब फाइंड आउट करते हैं रिलेशन बिटवीन क्यू एंड वी क्या करना होगा सी को एलिमिनेट कर देंगे सी किसके बराबर होता है चार्ज ओवर पोटेंशियल डिफरेंस अब यहाँ फाइनल चार्ज ले रहे हैं हम क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो गया जिस पर कि चार्ज है क्यू और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज़ वी नाउ तो यहाँ इस एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे वन बाई टू सी की जगह क्यू ओवर वी रख देंगे क्यू स्केर ओवर क्यू ऊपर चला गया ये वी तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया एक क्यू कैंसिल हो जाएगा वन बाई टू क्यू इन टू वी ये एक्सप्रेशन आ गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ क्यू एंड वी चलिए अब फाइंड आउट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ वी एंड सी क्या करेंगे क्यू को एलिमिनेट कर देंगे क्यू किसके बराबर क्यू इज़ इक्वल टू सी वी तो इस एक्सप्रेशन में हम रख देंगे क्यू इज इक्वल टू सी इन टू वी ये वी तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्र तो ये हमारे पास तीन एक्सप्रेशंस आ गए फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर चलिए अब फाइंड आउट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दरअसल जब ये प्लेट्स पर इक्वल पॉजिटिव चार्ज इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आया तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इक्वल टू सिग्मा ओवर एब्साइलन नॉट एब्साइलन नॉट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर ऑफ फ्री स्पेस एंड सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है चार्ज ओवर एरिया क्यू ओवर ए ए इज द एरिया ऑफ इच प्लेट सिग्मा की जगह हम क्या लिख देंगे और एबसाइल uh, नॉट यहां से लें क्यू इज इक्वल टू ई इन टू ए इंटू एबसाइल नॉट और इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें Uh, यू कितना आ गया वन बाई टू क्यू स्क्न स्र ओवर ये कैपेसिटी पैरेलल प्लेट की कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है एप्साइला नॉट ये होती है एप्साइल नॉट ए ओवर डी ये हमारे पास आ गया तो ये आ जाएगा वन बाई टू एक एपसाइलन नॉट कैंसिल हो जाएगा एपसाइलन नॉट को इधर लिख लिया कॉन्स्टेंट को आगे ई स्क्वायर इनटू एक ए कैंसिल हो जाएगा ये uh, डी e ऊपर चला जाएगा ये एक्सप्रेशन आ गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलिए अब हम करते हैं यू डिवाइडेड बाय ये ए इंटू डी ए इंटू डी क्या है वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर वॉल्यूम ऑफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ये क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इसको क्या कहेंगे एनर्जी डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर ये किसके बराबर आ जाएगी वन बाई टू एबसाइल एंड नॉर्थ ईस्ट तो ये है एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर अब सपोज कि एयर इज बाय सम समाई इलेक्ट्रिक मीडिया जिसकी कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी है एब्साइलन एम तो uh, ये एब्साइलन नॉट जो है वो रिप्लेस हो जाएगा बाय एब्साइलन एम इस यू ओवर ए डी को हमने लिख लिया स्मॉल यू एनर्जी डेंसिटी हाफ यहाँ आ गया एबसाइलन नॉट की जगह ई स्क्वायर डिवाइड कर लेते हैं इसको हम यू एम से डिनोट कर देते हैं ये यू विद एयर बिटवीन द प्लेट्स और ये एनर्जी डेंसिटी विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स जिसकी की एब्सोल्यूट परमिटिविटी है एबसाइलन एम यू एम डिवाइडेड बाय यू इक्वल टू ये वन बाई टू एब्साइलन एम इंटू ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई वन बाय टू एबसाइलन नॉट इंटू ई स्क्वेयर तो यह आ जाएगा एबसाइलन एम ओवर एब्साइलन नॉट विच इज इक्वल टू एब्साइलन आर रेलिटिव परमेटिविटी ऑफ द मीडियम सो एनर्जी डेंसिटी विद मीडियम इक्वल टू एबसाइलन आर टाइम्स यू विच इज इक्वल टू एबसाइलन आर इन टू यू कितना है वन बाई टू एबसाइल नॉट इन टू ई स्वर सो एनर्जी डेंसिटी जो है एबसाइल नॉट एबसाइलन आर टाइम्स होती है हो जाती है जब हम मीडियम uh, इंट्रोड्यूस करते हैं uh, चलिए अब बात करते हैं कि ये जो एनर्जी है ये रिजाइड कहाँ करते हैं अब यहाँ देखिए कि अगर आ, एनर्जी ज़ीरो हो या अगर हम चार्ज नहीं दे रहे हैं इफ़ चार्ज इज़ इक्वल टू इफ क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो उस केस में वर्क कितना हो जाएगा ज़ीरो एनर्जी एनर्जी कितनी हो जाएगी यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा और हम देखेंगे कि अगर चार्ज इंक्रीज़ करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है सो so, इलेक्ट्रिक फील्ड में रिज़ाइड करती है एनर्जी एनर्जी रिजाइड्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड तो बच्चों, आई एम श्योर यू हैव फॉलोड थैंक यू